हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले में। तो भाई हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मी शूटर 23। और यहाँ पर जो है हमारी प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर मैंने मिल्क सेल करने के लिए इस टैंकर को लगा रखा है, और यहाँ पर मैं ऑटो ड्राइव पर कर रखा था इसको मैं, तो इस वजह से ये इधर मूव करके खड़ा है, क्योंकि ऑटो ड्राइव पर रखने का एक रीज़न है, वो भी मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो अभी ये देखो, इसके अलग ही नशे हैं, तो एक बार देख लेता हूँ अगर इसमें मिली का शायद नहीं है, इस वजह से ये नहीं लग रहा। अबे ये दरवाज़ा खुल रहा है किस में से, यहाँ अच्छा इसमें से चेक होगा मेरे हिसाब से। नहीं यार, इधर से ही कर लेता हूँ क्योंकि उसमें तो दिखा नहीं रहा सोने। अबे मिलिक जो है वो 1545 लीटर है भाई, फिर भी क्या पता नहीं लग रहा ऑटो ड्राइव पे, क्या पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, रास्ते में ला के फिर इसको ऑटो ड्राइव पे लगाता हूँ, क्या पता लग जाए। वो ऐसे तो लग जाएगा, वो क्रेट जॉब वाला है ना, उसमें नहीं लग रहा ये। लोड करो और चलो, लोड करो चलो, अभी तो है जो, हाँ लग गया। तो इसको ऑटो ड्राइव पे लगाने का एक, और यहाँ पर मैं वॉश करने के लिए लाया था इस ट्रैक्टर को, तो यहीं पर छोड़ दिया मैंने। पहली फर्स्ट टाइम मैंने वॉश किया है इस वाले मैसी वाले ट्रैक्टर को, इस मोर को भी। तो यहाँ पर मैं उसको ऑटो ड्राइव पर लगाने का ये एक रीज़न था, क्योंकि जो टैंकर की कैपेसिटी है वो है 8000 लीटर, तो वो बार 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 सेल करने की आवश्यकता है उसमें, तो इस वजह से मैंने ऑटो ड्राइव पर लगा दिया उसको। वो हेल्पर है, वो सेल करता रहेगा और लोड करता रहेगा और सेल करता रहेगा, तो मैं और काम कर लेता हूँ तब तक, तो इस वजह से मैंने ऑटो ड्राइव पर लगाया था उसको। और यहाँ पर जो है ये कड़ा है, विंड्रोवर है, तो इससे हम ग्रास को इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसकी बेर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको अटैच। और जो भाई वो टिंडर था ना, उसको मैंने सेल कर दिया क्योंकि उसका कोई काम नहीं है वैसे, इसमें साइलेज बेल बना रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं रहता, तो इस वजह से मैंने उसको सेल कर दिया। तो उसको लिया था कि मैं शायद काउज जो है हमारी वो खाएगी साइलेज और ग्रास और हे, इस वजह से लिया था। तो फिर मेरे को पता चला कि इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी डाल दोगे तो वो हैप्पी हो जाएगी, आपको दूसरी चीज़ डालने की ज़रूरत है नहीं। ये मेरे को जब मैंने टूल बाय किए और डाला उनको, तब पता चला भाई, इतने दिन मेरे को नहीं पता था, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और मैं भी शौक था कि यार मैंने सोचा ही नहीं ये बात, तो यही चीज़ है कि कुछ पता नहीं हो तो वो क्या क्या कर लेता है, फिर जब होता है ना तब पता चलता है। तो वही मेरे साथ हुई, तो मैं जब उनको डालने गया था ना, तो वो नो मोर कैपेसिटी बताया, तो मैंने फिर उसको खोल के देखा और फिर मेरे को पता चला कि ये इसमें से तीनों चीज़ों में से एक ही चीज़ डलेगी, और ग्रास डालेंगे तो ये कम दूध प्रोड्यूस करेगी, और हे डालेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा 80% देगी, और जो साइलेज डालेंगे ना उसमें 100% हमको मिल्क मिलेगा। तो यही चीज़ है, तो इस वजह से। और अब मैं इसको मीडियम पे कर लेता हूँ, क्योंकि अब गेम जो है क्रेश होने की संभावना है, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ बीच में ही गेम क्रेश हो जाए। और जो मीडियम ग्राफिक है उसको आप सही लेना थोड़ा सा, क्योंकि जो है इसमें क्रेश होने से अच्छा है कि यार मैं थोड़ा सा मीडियम भी चला लूँ, तो आप भी थोड़ा सा कर लेना फर्स्ट। तो इसके लिए सॉरी यार, ग्राफिक के लिए, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में चल नहीं रहा, वैसे लैग नहीं होता बिल्कुल भी हाई ग्राफिक में, वेरी हाई में भी थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता मेरे डिवाइस में, लेकिन मेरे प्रॉब्लम यही है कि ये वाला है जो गेम है क्रेश हो जाता है। यहाँ पर जो है मैं बार्ली के लिए इसको लगा देता हूँ, हार्वेस्टर को हेल्पर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये कर देगा। ये बार्ली मैंने हार्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वापस आ चुका है यहाँ पर। ये रिवर्स क्यों लाया इसको, ये हेल्पर की भी भाई अलग ही नशे हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ये सुनते नहीं है किसी की भी। कभी कभी तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक ही, बिना कुछ किए ही, और वहाँ पर जाके ब्लॉग ब्लॉग दिखाने लगते हैं भाई। अब ये ऑन है भाई, फिर इतनी तेज़ क्यों चल रहा है पता नहीं, इसको फिर से ऑन करना पड़ेगा लगता है, कोई ना फिर से कर लेंगे, क्योंकि गेम जो है वो मैंने ऑफ करके फिर रीस्टार्ट किए ना, तो इस वजह से ये शायद नहीं चला।
तो अब मैं इसको रीस्टार्ट करके चलाता हूँ, तो ये शायद चल गया, यहाँ चल गया। तो इस ट्रैक्टर को भी मैं वॉश करने की सोच रहा हूँ, तो वॉश क्या करूँ, इसको मैं सेल करने की सोच रहा हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा वाला ट्रैक्टर लूँगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला ट्रैक्टर वॉश करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और भाई यहाँ पर जो है मैं फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जो है कुछ बंदे हैं ना वो कमेंट करते हैं कि भाई ये जो वो क्रैश वाली प्रॉब्लम को लेके, लेग वाली प्रॉब्लम को लेके, तो ये मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक इस प्रॉब्लम को देखा है ना, वो ज़्यादातर शाओमी के ही डिवाइस में ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक सैमसंग के डिवाइस में प्रॉब्लम कर रहा है। जो MI के फ़ोन है ना, रेडमी के हो गए ये वाले, तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और मेरे पास भी जो है रेडमी का ही फ़ोन है, MI का ही है शाओमी में, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इसी फ़ोन में हो रही है, ये इस वाले कंपनी के में। तो बेसिकली इसमें है, होता ये है कि आप रैम का जो है इसमें कोई झंझट होता नहीं है। रैम चाहिए आपकी 12 GB हो, चाहे इसे 16 GB हो, कितनी ही हो, लेकिन ये आपका फिर भी क्रैश करेगा गेम। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो गेम है ना वो आपके डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, और जो ये वाले गेम है ना, मेरे वाले डिवाइस है ना, तो इसके लिए भी ये गेम जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मेरे वाले में भी क्रैश करता है। ये नहीं है कि भाई सभी जो बंदे हैं खेल रहे हैं गेम को, अभी भी भाई कुछ मतलब कि 55% बंदे ऐसे हैं जिनकी ये गेम क्रैश कर रही है, और 45% के ही डिवाइस में ये रन कर रही है गेम अच्छे से। किसी के में लेग कर रही है तो भाई, किसी के में लेग नहीं कर रही है तो उस गेम में ये क्रैश हो रही है। तो ये ऑप्टिमाइज का है तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है, नेक्स्ट वाली अपडेट में ये शायद इशू जो है वो फिक्स हो जाए। आई होप थैंकफुली कि ये जाइंट सॉफ्टवेयर वाले सुन रहे हो और इसको फिक्स कर दिया इशू को, और मैंने जो मेल किया था। तो भाई यहाँ पर जो है मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी थी क्रैश, और मैं फिर से रीस्टार्ट किया हूँ इसको। ये देखो भाई, आप देख लो, लाइव देख लो आप, देखो गेम जो है पाउज हो चुकी है। तो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी क्रैश, तो मैंने फिर से इसको किया है ऑन। और जो है मैं, हाँ ये बोल रहा था कि मैंने जायंट सॉफ्टवेयर वालों को मेल किया था, तो पहली जो मेल की थी तो मैं उन्होंने ये बोला कि आपने जो प्ले स्टोर से बाय की है इस गेम को, तो उसका जो रिफंड है बनता है आपको, आप जो रेफरल वो आईडी होती है ना प्ले स्टोर पे, जो आप हम बाय करते हैं हमको आईडी मिलती है, तो वो दे दो हमको, हम आपका रिफंड लौटा देते हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। फिर मैं थोड़ा सा शेड हो गया, और फिर से मैंने सोचा कि यार ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो ना ही तो खेलने को कह रहे हैं गेम, और ना ही कुछ अपडेट देने को बोल रहे हैं कि शायद आप वेट कर लो अपडेट का, या फिर शायद नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट अपडेट में ठीक कर दे इशू को। तो ये कोई बात हुई नहीं, तो ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने जो है फिर से उनको मेल किया। तो फिर दूसरी मेल जो की मैंने, उसमें ये बोला कि जो मेरे पास जो डिवाइस है उसमें जो है मैंने 35,000 रुपये लगाए हैं, और जो मैंने 35,000 रुपये लगाए हैं वो बहुत मेहनत करके लगाए हैं मैंने, और जो इस गेम पे इसको गेम को खेलने के लिए मैंने इतने पैसे जोड़ जोड़ के ये वाला डिवाइस लिया है, और मैं इस वाले डिवाइस में ये गेम चल ही नहीं रही, तो मेरे लिए क्या फ़ायदा, आप प्लीज़ इस वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो है नेक्स्ट वाली जो अपडेट आएगी ना, तो इसमें ये फिक्स हो जाएगा। तो भाई ये बात सुन के मेरा जो दिल में सुकून है ना वो इतना ज़्यादा हुआ कि यार क्या ही बताओ, क्या ही बताऊँ कि यार इतनी ज़्यादा सुकून मिला कि यार नेक्स्ट वाली अपडेट में तो ये इशू फिक्स हो जाएगा। देखते हैं अगर नेक्स्ट वाली अपडेट में ये इशू फिक्स होता है तो भाई मेरे लिए तो ये कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है जायंट सॉफ्टवेयर वालों को जो मेल है ना, जायंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मेल करोगे ना उतनी ही जल्दी अपडेट आएगी और प्रॉब्लम फिक्स होगी, वरना तो वो बैठे रहेंगे, बैठे तो क्या ही नहीं गेम पे काम कर रहे होंगे,
और ही अपडेट लाते रहेंगे, पर इस वाले इशू को फिक्स नहीं करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उनको मेल करो। तो मेल आप कहाँ से करोगे मैं वो आपको मैं बता देता हूँ। मेल जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे और सर्च करोगे एफ एस थर्टी थ्री, तो आपको जो है ये वाली गेम मिल जाएगी। और गेम में जो है कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन होगा, तो कॉन्टेक्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर मेल मिल जाएगी आपको। तो मेल पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेल बॉक्स में पहुँच जाओगे, तो वहाँ से आप उनको मेल सेंड कर सकते हो। तो यह काम आप करना ज़रूर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। मैंने तो भाई 5 से 6 ईमेल से कर रखा है उनको मेल, तो शायद ये सब प्रॉब्लम का सलूशन है वो नेक्स्ट वाली जो अपडेट आई उसमें सॉल्व हो जाए। और बाकी तो क्या ही बताएं। और जो मैं एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप अभी मेरे को गालियाँ दोगे, पर मैं बता देता हूँ एक बात कि यहाँ पर जो है एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड डिवाइस है ना, उनमें ये गेम बिल्कुल ही नहीं चल रहा, बहुत गंदा चल रहा है। और जो आयुष डिवाइस है ना एप्पल के हो गए, तो उनमें ज़्यादा बेटर चल रहा है। आप बोलोगे ये क्या, आप तो महंगे महंगे बता रहे हो फ़ोन, पर सच यही है भाई अभी के लिए। शायद फ्यूचर में शायद एंड्रॉयड पे भी बेस्ट चलने लग जाए, लेकिन एप्पल का जो डिवाइस है ना उन्हीं में बेस्ट रन कर रही है अभी ये गेम। और सच यही है कि जो आईपैड है सबसे बेस्ट तो आईपैड में चल रही है, और फिर आईफोन में चल रही है, जैसे कि आईफोन 12 पर हो गई या फिर 14, 13 ये हो गए, उनमें बेस्ट चल रही है गेम अभी के लिए। और नेटनेस यूज़ भी सही चल रही है, हैंड गेम में भी सही चल रही है ये वाली। तो एंड्रॉयड में तो सबसे गंदी चल रही है भाई अभी। जो आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो फ़ोन को, इसमें आपको दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप वेट करो अपडेट का, और या फिर अब फ़ोन अपग्रेड कर लो। तो यहाँ पर अपग्रेड करो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको मेरी तरह ये MI का फ़ोन तो बिल्कुल मत लेना, लो तो कुछ अदर कंपनी का ले लेना जिसमें ये रन कर रही है। और अगर आपके पास बजट है तो आप एप्पल का ही डिवाइस चूज़ करना, कि सबसे बेस्ट गेमिंग के लिए एप्पल के डिवाइस ही हैं, या फिर सबसे बेस्ट आईपैड भी है, उसमें व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास मेरी तरह बजट नहीं है, एक साल दो साल पैसे जोड़ जोड़ के बैठे और फिर फ़ोन ले रहे हो, तो आप एंड्रॉयड ले सकते हो। फिर एंड्रॉयड भी लो आप, तो अगर जिसमें ये बेस्ट चल रही है गेम उसी को लो, अगर ऐसे तो लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर जो है लेक्चर वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अब आता हूँ गेम प्ले में। तो मैंने जो है इतनी सारी जो है बेल बना ली है, तो इनको मैं जो है रेप करने वाला हूँ, इनके ऊपर वो जो पन्नी पलटती है ना, साइलेज बेल बनाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है साइलेज बेल बनाऊँगा इनकी, और स्टोर कर लूँगा, और ज़्यादा हुई अगर तो मैं सेल भी कर दूँगा इनको। तो सबसे पहले प्लान तो मेरा यही है कि इनको स्टोर कर लूँ, क्योंकि इस वाले फील्ड में मैं सोच रहा हूँ कि या तो वीट वगैरह प्लांट कर लूँ, कि ग्रास की जो है ज़रूरत हमको काउस के लिए होती है। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम इनको सेल भी तो कर सकते हैं, वहाँ से भी हमको। ओ भाई ये लो, मैं बोल ही रहा था पिछले वाली वीडियो में कि कितनी बेल बन सकती है एक फील्ड से, तो भाई इतनी ही बेल बनेगी, अब हमको सेल करना पड़ेगा। अब सेल करना पड़ेगा भाई, कोई ना सेल करेंगे इनको। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, एक थंबनेल ले लेता हूँ, क्योंकि थंबनेल अभी तो समझ रहे हो ना आप, इधर से लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है यार। वैसे तो यहाँ से थंबनेल सही रहेगा मेरे हिसाब से।
तो यहाँ पर जो है मैंने थंबनेल वगैरह तो ले लिया, और इधर मैं चेक करने आया हूँ कि यहाँ पर जो है इनके पास ग्रास जो है वो है कि नहीं है, क्योंकि हाँ है भाई इसमें थोड़ा तो, लेकिन अभी तो यार इसको यहीं रखना पड़ेगा, चलो रहने देते हैं, क्योंकि जो है ग्रास बेल हैं वो भी नहीं निकल पा रही, और जो स्ट्रॉ बेल है ना वो भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि जो है नो मोर कैपेसिटी दिखा रहा है। तो कोई ना यार, इनको जो है सेल करना ही होगा, तो सेल करने के बाद ही हम न्यू बेल क्रिएट कर पाएंगे। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो है ग्रास की ही कैपेसिटी जो है वो दिखाएगा, लेकिन ये इसमें ये नहीं है, इसमें ये है कि ग्रास वाली हो या फिर स्ट्रॉ वाली हो, इसमें लिमिट है। अगर 100 बेल है कि लिमिट कर रखी, तो 100 से ऊपर नहीं बना सकते, चाहे बना लो है कि चाहे बना लो स्ट्रॉ की। अगर आपके पास 20 स्ट्रॉ बेल पड़ी है, और 20 अगर है बेल पड़ी है, और 60 अगर वो है ग्रास वाली या साइलेज वाली, कोई सी भी बेल पड़ी हो, 100 बेल से ऊपर नहीं होगी, चाहे कोई सी भी बना लो, वो इसमें वैसी तरह मैक्सिमम इसमें कर दी कैपेसिटी, तो हमको सेल करना पड़ेगा। तो ये इसमें मेरे हिसाब से ये सोच के किया है कि वो इकट्ठा कर लेते हैं इसमें, और सेल वगैरह करते नहीं हैं ये, तो यही सोच के इन्होंने किया होगा ये कारनामा ही। चलो ये कर देते हैं, गेम को आगे तो खेलेंगे बंदे। तो मैं जो है यहाँ पर साइलेज बेल को सेल कर देता हूँ, क्योंकि साइलेज जो बेल है हमारे पास है, अभी मैं एक बार चेक तो कर लूँ अगर है कि नहीं है। वैसे तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, कि वो वाली जो है उनकी भी मैं साइलेज बेल ही बनाऊँगा। साइलेज जो बेल है 4 बेल हो रही है, इसमें तो सभी काट लेता हूँ। फर्स्ट सेल करने को बोल रहा है भाई, ये भी बाहर नहीं निकल रही, नो आइडिया क्या चक्कर है यार। तो इनको सेल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, सबसे बेस्ट जो प्राइस है ना वो चेक कर लेता हूँ। ये रही साइलेज, सेम प्राइस है भाई दोनों में। तो ये वाला जो स्टेशन है ये तो है वहाँ पर, एनिमल डीलर के पास। जो ये वाला है ये कहाँ है, ये इनको देख लेता हूँ मैं टेक करके। तो ये पास में ही है भाई, ये यहीं पे है। और स्ट्रॉ जो बेल है उसकी भी प्राइस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉ बेल भी ले चलता हूँ, इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेल कहाँ पर है, हाँ ये रही स्ट्रॉ। अबे यार ये वहाँ पर बिकेगी बेल सेलिंग पॉइंट पे, तो हमको जाना पड़ेगा वहाँ पर, तो वहीं पे ले चलता हूँ इसको। तो वैसे गेम प्ले जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं यहीं पे इस गेम बल को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं कि मैंने क्या क्या किया, और उनको बेल को साइलेज भी बनाएंगे उस वाली बेल्स की सभी की। तो नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।